नमस्कार, मैं सुधा चोपड़ा, जीएस रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन। इसके लिए हमने पत्ता गोभी लिया है, पत्ता गोभी को हमने घिया कस कर लिया है, और साथ में हमने लिया है गोभी, फूल गोभी, इसको भी हमने घिया कस कर लिया है, और साथ में लिया है गाजर, इसको भी हमने घिया कस कर लिया है। अब इसको हम सबको मिक्स करके इसके अंदर थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट इसलिए डालेंगे कि ये अपना सारा पानी जो है छोड़ देगा। इसको हम 5 मिनट के लिए सॉल्ट में मिक्स करके रखेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल आएगा। इसको हम इस तरह से अब छोड़ देंगे, जिससे कि सारा सब्जी का पानी बाहर आ जाए। अब ये हमारा अच्छी तरह से ड्रेन हो गया पानी, हमने सारा पानी निकाल लिया है। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसको जो हम मंचूरियन बनाएंगे, मंचूरियन की ग्रेवी, उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब इसे हम निकाल देंगे, और इसके अंदर हम सारा हम जो हमने मिर्ची काट कर रखी है बारीक बारीक, इसके अंदर मिक्स करेंगे। हमने बारीक बारीक अदरक को काटा है, इसके अंदर हम 3 चम्मच मैदा मिलाएंगे, 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर पाउडर मिलाएंगे, इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी नहीं मिक्स करेंगे हम, मैदा और ये इसके साथ अच्छी तरह से कोट हो जाएगा और हमारे ये क्रिस्पी बनेंगे और ये फटेंगे नहीं हमारे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर मिक्स करेंगे, जिससे कि हमारी ये सॉफ्ट बनेंगे। इसके अंदर हम नॉर्मेट पाउडर डालेंगे, सीजनिंग का काम करता है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये हर चाइनीज़ के अंदर पड़ता है, रेस्टोरेंट होटल में इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे इसका फ्लेवर दुगना हो जाता है। का हमारा जो है डो बन के तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे और इसके गोल गोल मंचूरियन बनाएंगे। इसको रेडी करके रख रहे हैं, जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम डालेंगे ये जो हमने कोफ्ते से बनाए हैं। इसके चाइनीज़ जो होता है वो छोटे बड़े बच्चों को सबको हो बहुत ही पसंद आता है, बच्चे लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। राइस के साथ, नूडल्स के साथ, सबके साथ खाया जा सकता है ये। बच्चे तो चाइनीज़ फूड के दीवाने हैं, बच्चों को चाइनीज़ फूड बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसका कितना अच्छा कलर भी आया। अब ये हमारे मंचूरियन के कोफ्ते बन के तैयार हो गए हैं, इसके लिए हम बाद में ग्रेवी बनाएंगे और उसके अंदर डालेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं मंचूरियन की ग्रेवी। पहले कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने चॉप अदरक लिया है, चॉप करके हमने लहसुन लिया है, चॉप करके हमने हरी मिर्ची ली है, चॉप करके हमने ग्रीन शिमला मिर्च ली है, और चॉप करके हुए प्याज लिए हैं। इसके अंदर हम लाएंगे लहसुन जो हमने काटा था, गार्लिक, फिर हम लेंगे अदरक, जिंजर, इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। में लेंगे हम हरी मिर्ची कटी हुई, लहसुन अदरक और हरी मिर्ची हमारी इसमें अंदर हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज चॉप किया हुआ, इसके अंदर डालेंगे चॉप की हुई शिमला मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। स्वाद के अनुसार इसके अंदर हम डालेंगे नमक, चिल्ली पेस्ट, इसी शेजवान सॉस, एक स्पून शुगर। इसके अंदर हमने ग्रेवी के अकॉर्डिंग तो हमने इसके अंदर पानी मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैंने 5 सूप कटोरी, उससे मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया 5 कटोरी। अब इसके अंदर हम डालेंगे सोया सॉस, जिससे इसका कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। इसमें डालेंगे हम टोमेटो केचप, थोड़ी सी डालेंगे, 1 चम्मच विनेगर। अब हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, जिसको पानी के अंदर हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाएगी।
अब इसमें बॉयल आएगा और ये इसको थोड़ा हिलाएंगे हम, ये ग्रेवी अपने आप ही गाढ़ी होती जाएगी, जितनी हमको थिक चाहिए उसी हिसाब से हमने कॉर्नफ्लोर डाला है। करेंगे ऑर्मेट पाउडर, सीजनिंग के लिए होता है, इसका टेस्ट इससे बहुत ही बढ़ जाता है। अब इसमें बॉयल आ गया है और इसको हिलाते रहेंगे, ये अपने आप ही कॉर्न स्टार्च से गाढ़ा हो जाएगा। मैं इसको सर्व करूंगी, उसके बीच में हम इसको जो हमने मंचूरियन बना कर रखे थे कोफ्ते इसके, तब हम खाने के टाइम इसको डाल देंगे। ये अब हमारी मंचूरियन की ग्रेवी बन के तैयार हो गई। अब इसके अंदर हम मंचूरियन डालेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें और GS रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।